आज हम बात करने वाले हैं चूहों के बारे में, और दिस इज एज अ कंपेरिजन। और नॉर्मली हम जो देखेंगे जो ब्रांडेड शूज और लोकल शूज में डिफरेंस होता क्या है, तो मेनली तो क्वालिटी का डिफरेंस होता है, लेकिन आपका ये वाली वीडियो देख के पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि जो लोकल शूज में जो आपको क्वालिटी जो मिल रही है ना आपके टाइम पे, और जो मैंने यूज करे हैं अभी करेंटली टॉप नॉच, मतलब मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ रेड चीप वाली वीडियो से। और मतलब जो रेड चीप पे मैंने वीडियो डाली थी उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया रहता था, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना लेती हूँ यूट्यूब पे। सो आपको बिना किसी देरी के वीडियो दिखाते हैं, और एक पहले नंबर एक सिनेमैटिक वाली वीडियो देखिए जो जितने भी जूते हम आपको दिखाने वाले हैं। सो लेट्स गो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को, क्योंकि जल्दी से जल्दी सपोर्ट मिले वो अच्छी बात है। और कृपया हमारे डेड चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सो लेट्स गो। Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been तो गाइस चलो आपने सिनेमैटिक शॉट्स तो देख लिए, तो अब हम आपको कंपैरिजन शुरू करते हैं वीडियो में। जो भी फर्स्ट हम जिस जूते से शुरू करेंगे वो है ये कैंपस का कोलंबस। भाई शू उस टाइम जो पड़ा था कब लिया था 2017 के टाइम पे, और भाई जो शू ने बहुत साथ दिया है भाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शू था। बस इसकी भाई दिक्कत बस यही हुई कि इसका ही पीछे का एंकल फट गया, और भाई शू बहुत कंफर्टेबल है, और मेनली कहीं भी जाओ ऑन द गो क्रिकेट विकेट खेलने भी तो भी ये जूता काफ़ी अच्छा है। और इसमें तो हम नन्या सोल सोल देख सकते हो आप, सोल की कंडीशन अभी ये है। और जूते में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि ये ख़राब हो चुका है, तो अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जूता यही पसंद था। और अगले जूते की बात करें तो वो हो सकता है हमारा एडिडास का शू। इस शू की कॉस्टिंग नियरली 3600 के आसपास की थी जब उस टाइम ने लिया था, और अभी तक इस शू को मतलब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भाई मेनली दिक्कत ये थी कि मेरा शू 10 नंबर है अभी, हाँ 10 नंबर शू नंबर है, तो ये जूता 9 नंबर है, और अब ये मेरे साइज का नहीं बचा, वरना मैं इसको ज़रूर पहनता। इसमें भी थोड़ा बहुत बस वही है कि मुश्किल से ये हुआ, लेकिन इसका जो फोम है ना, तो ये कभी पतला लग रहा था ना कुछ ना, मतलब पहनने में कंफर्टेबल अभी भी है। किसी 9 नंबर वाले को दे दूंगा तो वो तो मज़े से पहनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जूते का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है, और मेनली ये स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जॉगिंग वॉगिंग के लिए चले जाओ तो काफ़ी अच्छा है। तो अगले जूते की शुरुआत बात करें तो हम अपने प्यारे दुलारे रेड चीफ के, जो कि हमारा मोस्ट व्यूड जूता है। इसकी वीडियो पे 10K व्यूज होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि एक और जूते की वीडियो लाई जाए, शायद पुराना रिकॉर्ड भी टूट जाए। और ये देखिए काफ़ी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने 1 साल पहले लिया था, और अभी करंटली इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है।
देख सकते हैं आप। और अंदर से इसके जो ये वाला वो होता है ना पार्ट, कंफर्ट का जो भी होता हो, ये मैंने बिल्कुल ख़राब नहीं देखा, ना ख़राब हुआ कहीं। बल्कि मैं इसे पानी तक नहीं पहन चुका हूँ बरसात के टाइम में, तब भी जूते को कुछ नहीं हुआ। भाई एक बार बस इसमें ये था, बर्थडे के टाइम पे केक गिर गया था, तो जब से ये यहाँ का पता नहीं लेदर उखड़ गया कि क्या हुआ, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम सबरे जूतों का एक बार कंपैरिजन करेंगे प्रोज और कॉन्स में, कि किसका क्या फ़ायदा है और किस चीज़ के लिए कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। और मेनली जो मेरा मोस्ट फेवरेट जूता है वो है ये। आपको लग रहा है ये लोकल ब्रांड का लगता है किसी एंगल से, भाई क्वालिटी देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और लेसिंग देख रहे हो क्या सही लग रही लेसिंग इसकी, और ये लेसेज हैं इसकी, पतली हैं लेकिन मजबूत बहुत ज़्यादा हैं। और भाई अंदर का जो ये हिस्सा जितना भी है भाई बहुत सॉफ्ट हैगा, अंदर भी बिल्कुल आराम से, मैं कह रहा कि अपन जी जूता आराम से 8-9 घंटे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पाँव में दर्द ना कुछ। और शू का साइज है 10, तो ये अपने साइज़ का जूता है, तो अपने को उसमें कोई दिक्कत नहीं होती पहनने में। और ये दरअसल हमने लिया था शंकर शू शॉप से, जो कि झांसी के पुराने ज़माने के काफ़ी रिनोन्ड शू मेकर्स हैं, तो ये उनकी तरफ से जूता है जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब हम एक बेसिक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको हम बताते हैं कि जूते में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ, कौन से जूते में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है अभी के टाइम पर, और जो कि आपको देखनी भी चाहिए लेने से पहले, तो ये बात सब देखते हैं। तो चलिए अब हम इनके प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, भाई फायदे क्या हैं नुकसान क्या है इस वीडियो में, तो देखते हैं। देखो भाई मैं पहले ही रेट, तो देखो इसमें जैसे कि प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगती है, एक तो भाई हाइट देखो इसकी, जूता काफ़ी बड़ा लगता है। और देखो चलने में मान लो मैं अगर इसे 2-3 घंटे के लिए पहन लूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसे 6 घंटे पहनना है तो भाई रोना आ जाएगा, और पाँव में इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकता भाई। बल्कि इसका शू का नंबर, शूट नंबर साइज 10 है, मतलब 10 ही है साइज यूके, और फिर भी इसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई देखो एक तो इसकी हाइट ज़्यादा, और इसका ये एंकल वाला हिस्सा जो आप दिख रहा है ये लंबाई, भाई अगर ये शू का साइज इतना कम होता, अगर इतना भी होता तो भाई ये जूता आराम से पहना जा सकता, लेकिन भाई जो एंकल पे ये यहाँ से जो ये प्रेशर देता ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भाई पाँव में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैंने ये जूता मुश्किल से ही कभी, मतलब जब से मैंने इसे ख़रीदा है 1 साल हो गया है, मैंने इसे मुश्किल से भाई 10-11 बार ही पहना है भाई, मुश्किल से। शौक में लेने वाली चीज़ थी, जब ये कितने, मैंने इसका रेट क्या बताया था, 3500 के आसपास का है ये जूता। और भाई अगर मैं इसे पहन नहीं पा रहा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई 3500 रुपये कहाँ गए। तो बात करते हैं अगले जूते की, जो कि है एडिडास। मेनली ये जूता आप स्पोर्ट्स शू के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका मतलब एंकल वेंकल और काफ़ी ये सॉफ्ट वाला हिस्सा है, तो आराम से पहन के भाग सकते हैं। और इसमें भी वही साइज़ की प्रॉब्लम थी, प्राइस था इसका 3600 की नियरली, और जूते की जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी थी, और मैंने पहनता नहीं हूँ तो भाई मैं इसका क्या ही रिव्यू दूँ। और लेकिन क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, और इसमें बस एक अच्छी खासियत है कि ये जूता का जो सोल है काफ़ी अच्छा है क्वालिटी का, और मुड़ने वाला जूता तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लेक्सिबल तो ये है नहीं, ना कि रेड चीफ भी इतना फ्लेक्सिबल है, और कुशन काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये आप ले सकते हो ज़्यादा हद तक। तो हेलो भाई सर, इसको बात करते हैं अगले जूते की, जो कि हमारा कैंपस का शू। और भाई इस जूते की भाई तारीफ जितनी भी करो कम है, जीन्स वाले टाइप के डिज़ाइन में आता है, और काफ़ी लुक्स के काफ़ी अच्छे हैं, और कलर जो कि आप देख सकते हैं वक्त के साथ थोड़ा बहुत उतर गया है, लेकिन क्वालिटी अभी भी जहर है। और बस इसका ये दिक्कत इसमें बस यही है अभी के टाइम तक, इसका ये फट गया है पीछे का,
तो पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अंदर का अगर आप भी देखेंगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी हद तक ठीक है और पहनने लायक है। इस पर इसका साइज भी लिखा होगा, 12 नंबर का जूता है ये, जब तक अभी तक चल गया, उस टाइम मैंने बहुत बड़ा लिया था। और ये इसका प्राइस था 1800 रुपीज़ के आसपास, और काफ़ी अच्छा जूता है। और इसकी मैं बुराई नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बुराई वाला कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये फट गया ये तो फिर वक्त के साथ हो ही जाता है, इसको कुछ नहीं कर सकता कोई। सो अब गाइस जो कि बात करने वाले हैं इस वाले जूते की, ये जूता भाई मेरा अभी तक फेवरेट ही है और भाई मोस्टली भाई यूज हो जाता है काफ़ी हद तक, और देखो ख़राब भी कम हुआ। मैं तो इसके मोरे के साथ ही पहनता हूँ, वैसे मैं पहनता भी नहीं हूँ। और जो उसकी क्वालिटी है भाई, क्वालिटी फिर कोई कह नहीं सकता, ये लोकल ब्रांड का जूता है, लोकल जूता है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और देख रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी, देख रहे हैं फ्लेक्सिबल जूता है काफ़ी हद तक। और ये चीज़ मैं इसमें भी दिखाना चाहूँगा कि ये वाला जूता भी काफ़ी फ्लेक्सिबल था, एडिडास नहीं है इतना फ्लेक्सिबल, ना ही रेड सी है, लेकिन ये जूता बहुत फ्लेक्सिबल है और काफ़ी लुक्स भी बहुत अच्छे रखते हैं इसके यार। मतलब इसी मतलब कपड़ों वपड़ों के साथ पहन के चले जाओ, नॉर्मल जीन्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भाई ये जूता भाई बहुत रिकमेंड करूँगा, अगर आप झांसी में रहते हो तो ये जूता शंकर के यहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जूते की क्वालिटी आपको भी पता है शंकर की क्वालिटी क्या है। और लुक्स भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छा अच्छी सिलाई करी है ये जूते की, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जूता है। और ये इसका प्राइस आप मानोगे नहीं भाई कितना है इसका प्राइस, एक गैस आइडिया मारो, कमेंट सेक्शन में बताओ यार कितना साइज होगा, मतलब प्राइस कितना होगा इसका। अब मैं बताता हूँ उसका प्राइस इसका है मोर देन 750 रुपीज़ to 800 रुपीज़। और भाई कोई कह नहीं सकता कि भाई 800 रुपये का जूता है, वो भी यार क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जूता है भाई। मैं कहता हूँ भाई हाथ में लेके देखो, पहन के देखो, फील बहुत अच्छा है इसका, और ये मेरा फेवरेट जूता है अभी तक। और बाकी जितने भी जूते हैं वो सब अब पुराने हो चुके हैं, और भाई कुछ ये जैसे कि रेड चीप वाला था ये मेरा फेवरेट तो था, लेकिन यार इसका बस वही प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादातर पहन नहीं सकता, तो यही प्रॉब्लम है इस वाले जूते में, तो इसलिए मैंने वो जूता पहनना कम कर दिया। लेकिन अब आपको चॉइस है कि आपको देखो स्पोर्ट्स शू लेना है भाई, आगे की चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा जूता पसंद आता है, आपको कौन सी पसंद हो वो आप ले सकते हो। लेकिन भाई मैं रिकमेंड यही वाला जूता करना है, इस टाइप का जूता ले लीजिए काफ़ी अच्छा रहता है, या फिर ये वाला ले लीजिए ये भी काफ़ी अच्छा है। और इस टाइप का रेड शीट में इस टाइप का जूता भाई प्लीज अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि भाई आप अभी ले लेंगे बाद में रहेंगे, क्योंकि इसमें ये एंकल की प्रॉब्लम यार बहुत ज़्यादा है, तो ये जूता मैं कभी प्रेफर ना करूँ। और मेनली यार जो अपना एडिडास था ये तो स्पोर्ट्स शू और साइज शू ना हो गया, इसलिए मैं पहनना बंद कर दिया, मैं जूता काफ़ी अच्छा था। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, और द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस वीडियो इज गोस टू ये वाला जूता भाई, इसके अलावा कोई जूता नहीं है, रेड चीप भी मेरा फेवरेट नहीं है। सो आप वो जूता देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लोकल में ढूंढिए मिल जाएगा, लोकल में ढूंढिए मिल जाएगा, ये जूता काफ़ी अच्छा है, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो गाइस होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक माय यूट्यूब चैनल सत्य ब्लॉग झांसी, मीट यू अनदर वीडियो। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक करके जाना, और भाई देखो एक बार मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई पॉपुलरिटी चाहिए भाई, बहुत ग्राइंड करनी चाहिए यूट्यूब पर, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारो चैनल को और सपोर्ट दिखाओ। और अगर आगे और भी वीडियो चाहिए हो जूतों रिलेटेड, या मेरा फुल कलेक्शन भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। बाय।